सीतापुर में पुलिस ने बगैर लाइसेंस के मवेशी काटने के मामले में बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक गांव के चार घरों में छापामारी करते हुए भारी मात्रा में मवेशियों का कटा हुआ मांस बरामद किया है। साथ ही भारी मात्रा में मवेशियों को काटने वाले औजार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मौकाए वारदात से चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि काम में लगे अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। पता चला था, हमने अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ भेजा था, पता चला था कि गौवंश वहाँ पे काटे गए हैं, लेकिन जब यहाँ पता किया गया तो मवेशी और भैंसे काटे गए हैं। हम लोग आए अभी, घरों में देखे हैं, तो वास्तव में इतनी क्रूरता है इन लोगों के अंदर भरी हुई है कि जहाँ पे लेटते हैं वहीं पे सामने 2 फीट की दूरी पे भैंसों को काट दिया गया है। और जितना हम लोग को जानकारी है, ये भैंसे कैसे खरीद कर नहीं आई हैं, सारी चोरी की है। लगभग कितने मांस होगा, कितना? कम से कम 15, हमारे हिसाब से 15 भैंसे हैं। हाँ, और सारी नई भैंसे हैं, एक एक भैंस की कीमत कम से कम 50 क्या मांग करता है। तो ऐसे इनके अंदर क्रूरता बहुत है भाई। जहाँ पे लेट रहे हैं, जहाँ पे बच्चे हैं, जहाँ पे किचन है, उसी के बगल में आप काट रहे हैं, कितनी क्रूरता है भाई। और चारों तरफ मिट्टी का तेल डाल रखा है जिससे घर से बाहर बदबू न जाए, पड़ोसी को भी पता न चलने पाए कि घर में क्या हो रहा है। नालियों में गोबर लगा के नाली बंद कर रखी है कि ब्लड बाहर ना जाए। आपके पास लाइसेंस है, आप अपने बूचड़ खाने में काटिए, घर में काटने क्या जरूरत है। घर में काटने का उद्देश्य तो सिर्फ यही है कि आप चोरी से ला के काट रहे हैं। चोरी के भैंसे, गरीब आदमी एक एक रुपये जोड़ के 50,000 की भैंस खरीदता है और आप 2 मिनट में वो भैंस काट देते हैं, वो मर के रह जाता है। संगठन हमारा ये चाहता है कि कठोर से कठोर सजा दी जाए और दोषी कोई बख्शा ना जाए। नाम आपका? अनूप मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। धर्मेंद्र सिंह, जिला मंत्री विश्व। घटना सिधौली कोतवाली क्षेत्र के बाड़ी गांव की है। यहां विशेष समुदाय की एक कॉलोनी में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की। पुलिस ने यहां के निवासी हयात कुरेशी नामक युवक के घर में छापामारी करते हुए भारी मात्रा में मवेशियों का कटा हुआ मांस बरामद किया है। साथ ही आसपास के चार घरों में भी छापेमारी करते हुए मांस और औजार बरामद किए हैं। पुलिस की छापेमारी के दौरान घर में मौजूद अन्य लोग फरार हो गए, जबकि मौका वारदात से चार लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। विशेष समुदाय की इस कॉलोनी में मांस मिलने की सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने में जाकर प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान 2 जिंदा मवेशी भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने मामले में तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही शुरू कर दी। सीओ सिधौली यादवेन यादव का कहना है कि चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, साथ ही इस घटना में जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है और पुलिस टीम दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि सभी बगैर लाइसेंस के घरों के अंदर ही मवेशी को काट रहे थे, जिसके चलते कार्यवाही की गई है। सीतापुर से राजेश शुक्ला की रिपोर्ट।